Hey guys, welcome to my YouTube channel Vyanech Lifestyle. This is Bhavya here. Today I have come up with a new beauty video for you. तो आज की इस ब्यूटी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपके चेहरे पर बार बार मुहासे निकल आते हैं और क्या क्या कारण हैं जिनसे आपके चेहरे पर बार बार पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो को। टिप नंबर वन, ज़्यादा दूध पीने से। अगर आप भी ज़्यादा दूध पीते हैं तो इस कारण भी आपके चेहरे पर पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आपको अपनी खाने वाली डाइट के अंदर दूध की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो अंदर से हमारे शरीर को और गर्म करता है और इसके कारण हमारे चेहरे पर फोड़े और फुंसी निकलने लगते हैं। टिप नंबर टू, डाइट में बदलाव करना। अगर आप अपनी रोज खाने वाली डाइट को थोड़ा चेंज करेंगे तो इससे भी आपके चेहरे के मुहासे जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे खान पान का सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है, जिसके कारण हमें कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो आपको बाहर के ऑयली जंक फूड और फास्ट फूड को छोड़कर घर का हरा भरा बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। इससे आपके शरीर पे और आपकी स्किन में आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। टिप नंबर थ्री, मौसम में बदलाव। जब मौसम का पारा चढ़ने लगता है तो हमारी शरीर के अंदर तेल की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी स्किन और भी ऑयली हो जाती है और यही एक रीज़न है कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको वेदर चेंज के टाइम अपनी स्किन का ध्यान और ज़्यादा रखना चाहिए। टिप नंबर फोर, क्या आप गलत ब्यूटी टिप्स तो फॉलो नहीं करती? गलत ब्यूटी टिप्स यानी कि गलत मेकअप या फिर गलत ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने से आपके चेहरे पर पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। हम बाहर के जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं जो कभी कभी हमारी स्किन को सूट नहीं करता। तो यह भी एक रीज़न है कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स को चूज करना चाहिए। टिप नंबर फाइव, मुहासों को बार बार छुए नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बार बार अपने चेहरे पर हाथ लगाते रहते हैं, जिसके कारण मुहासे आपके फेस पर और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो आपको बार बार फेस को रब करने वाली हैबिट को छोड़ना होगा और अपने पिंपल्स को कभी भी आप टच ना करें। तो आज की इस ब्यूटी वीडियो में हमने जाना कि किन कारणों से हमारे चेहरे पर मुहासे ज़्यादा होने लगते हैं। तो अगर आप भी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम को मिनटों में ही दूर भगा सकते हैं। सो दिस मच इज़ फॉर टुडे। आई विल बी बैक विथ मोर ब्यूटी वीडियोस ऑन माय चैनल। फॉर दैट सब्सक्राइब माय चैनल वायानेट लाइफस्टाइल। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटिफुल। बाय।